स्टूडेंट्स, आज हम आज की क्लास में कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउन क्या होता है और इसका हम प्रयोग किस तरह से करते हैं, देखिए चलते हैं। कलेक्टिव नाउन, एक कलेक्टिव नाउन इज ए ग्रुप और कलेक्शन, ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ सेम काइंड या टाइप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। एक ही प्रकार की नाउंस का ग्रुप हो या कलेक्शन हो उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे ए क्रू ऑफ सोल्जर्स क्या होगा, ये ग्रुप होगा। जैसे ए टीम ऑफ प्लेयर्स ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया। मान लीजिए हम किसी वस्तु को कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे ए फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाजी बेड़ा, ये क्या होगा, कलेक्शन हो गया। फिर शिप्स का कलेक्शन हो गया। ए फ्लॉक ऑफ शीप, ये सभी क्या बन गए, ये कलेक्टिव नाउन होगा। ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स किसी भी नाउन के ग्रुप या कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन ये काउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है, जिस तरह से प्रॉपर और कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन की श्रेणी में थे, इनको काउंट किया जा सकता है, उसी तरह से कलेक्टिव नाउन को भी काउंट किया जा सकता है। ये भी उसी श्रेणी में आती है, कलेक्टिव नाउन भी प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की श्रेणी में आती है, कलेक्टिव नाउन की। जैसे हम इसके बारे में देखते हैं, जैसे हमने देखा कि प्रॉपर नाउन के साथ यदि प्रॉपर नाउन सब्जेक्ट के स्थान पर है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, और यदि कॉमन नाउन सब्जेक्ट के स्थान पर है तो उस, क्योंकि कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होती है, तो यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के नाउन का हम प्रयोग कर सकते हैं। ये हम देख लेते हैं कलेक्टिव नाउन के साथ, ये हम नोट कर लें, आपको नोट करना है, कलेक्टिव नाउन के साथ नाउन का प्रयोग यदि सब्जेक्ट के स्थान पर है तो इसके साथ सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों ही वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि हम ये कहें ए फ्लॉक ऑफ गीज
स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन पाशा। पाशा क्या होगा? चारागाह। गीज मोस्ट ऑफ अपना टाइम कहां पर व्यक्त करता है? पाश्चर में व्यक्त करते हैं। जैसे द जूरी गिव गिव इट्स प्रेडिक्ट। यहां पर देखिए द जूरी, जूरी ने अपना प्रेडिक्ट दिया। जब यहां पर हमने यहां पर हम दूसरा सेंस दी जूरी हैज डिसाइडेड दी मैटर। यहां पर एक वचन का कार्य कर रही जूरी, क्योंकि जूरी एक एक मत है। यदि इसी को हम ये कहें द जूरी वेयर डिवाइडेड इन इट्स वर्डिक्ट, जो वर्डिक्ट दिया उसमें डिवाइडेड था। अब जब डिवाइडेड है यहां पर तो क्या बन गया? प्लूरल बन गई। यहां पर जब उसने मत दिया तो सबने मिलकर अपना मत दिया है। जब सबने मिलकर मत दिया है तो ये क्या है? ये सिंगुलर है। पर जब वो डिवाइडेड है उसका जो रिजल्ट जो है वो अलग अलग निकला है। कुछ ने पॉजिटिव रिजल्ट दिया, कुछ ने नेगेटिव रिजल्ट दिया जूरी के मेंबर्स ने, तो यहां पर ये क्या बन गया? प्लूरल बन गया। प्लूरल बन गया तो इसके साथ वर्ब प्लूरल की वर्ब का प्रयोग किया। इसलिए किसी भी कलेक्टिव नाउन के साथ हम उसके एक्शन के अनुसार द रिजल्ट ऑफ एक्शन, कि उसके एक्शन का जो रिजल्ट है वो कैसा है, द रिजल्ट ऑफ एक्शन के अनुसार हम किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे The team has won the match. टीम ने मैच जीत लिया। जब टीम ने मैच जीता तो टीम पूरी एकजुट थी। एकजुट थी तो ये टीम सिंगुलर हो गई और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर। वर्ब भी सिंगुलर। The team were divided at the choice of captainship. जब कैप्टनशिप की चॉइस की बात आई, जब कैप्टनशिप को चुनने की बात आई तो टीम क्या थी? डिवाइड थी। कुछ एक खिलाड़ी के पक्ष में मत दे रहे थे, कुछ दूसरे खिलाड़ी के पक्ष में मत दे रहे थे। टीम एकजुट नहीं थी। तो यहां पर हमने किसका प्रयोग किया? वेयर का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि यहां पर टीम डिवाइडेड है, टीम एनोनिमस नहीं है, एकमत नहीं है, एक स्वर में नहीं है। पर जहां जब यहां पर इसने टीम ने मैच को जीता तब टीम एकजुट थी, एक थी, इसलिए यहां पर सिंगुलर नाउन का प्रयोग। और यहां पर टीम बटी हुई है तो यहां पर प्लूरल नाउन है यहां पर, और यहां पर वर्ब भी प्लूरल। तो कलेक्टिव नाउन के साथ जब हम वर्ब का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा? उसके साथ किसका प्रयोग होगा? एक सिंगुलर यदि है तो सिंगुलर का। जैसे एक हम और एग्जांपल लेते हैं, द ऑडियंस
वाच हस्त टू सी दी सी। हस्त माने क्या था? शांत, बिल्कुल शांत। और दी ऑडियंस वेयर फाइटिंग फॉर टू गेट दियर सीट्स। यहां पर देखिए, ऑडियंस जब दृश्य देखा तो पूरी ऑडियंस शांत हो गई। शांत हो गई तो क्या बन गई है? यहां पर जब ऑडियंस, पूरी ऑडियंस एक ही फीलिंग में है, शांत है, तो ये यहां पर क्या बन गया? सिंगुलर बन गया। और यहां पर ऑडियंस आपस में सीट के लिए आपस में धक्का मुक्की कर रही थी, हसल कर रही थी, फाइटिंग कर रही थी, तो यहां पर ऑडियंस क्या हो गई? प्लूरल हो गई, अलग अलग बट गई, तो बट गई तो प्लूरल हो गई, और प्लूरल हो गई तो यहां पर इसके साथ वर्ब भी प्लूरल। इसलिए हमने देखा कि कलेक्टिव नाउन में ही एक ही ग्रुप ऑफ पर्सन्स है, उसने यदि एक जुट होकर कार्य किया है तो वो सिंगुलर के रूप में आएगी, और अलग अलग उसने कार्य किया है, जैसे हमने जूरी का एक एग्जांपल दिया, टीम का एग्जांपल दिया, ऑडियंस का एग्जांपल दिया, इसी तरह से अलग अलग इनके एग्जांपल्स आएंगे। हम एक्सरसाइज में जब आपको देंगे तो आप उसमें देखिएगा और उसमें आप बताइएगा कि किस किस कहां कहां पर ये सिंगुलर नाउन है और कहां कहां पर प्लूरल नाउन है। और यदि मेरा